बाकियों को भी सर गिरफ्तार किया जा रहा है आपको। गिरफ्तार हो गए जनाब। जनाब आपके सामने है, ये जुल्म के जाब्ते ये उस्ताद है, ये आपके सामने इन हम इतनी देर रेस्ट हो सकता तो उनके सफाई क्यों नहीं हो सकते। हम अल्हम्दुलिल्लाह इनसे साफ लेंगे और भाईजान इधर से बनती है भाई। साफ लेके देंगे हक लेके। आपको डरपोक नहीं है? कोई बात नहीं है, क्या कर सकते हैं, जान से तो मार नहीं सकते। अल्हम्दुलिल्लाह हम इनके साथ लड़ेंगे और मरेंगे भी। लोग कैसे निकले, बुत तोड़ दिए आज तहरीक इंसाफ न सिर्फ चेहरे लाहौर से बल्कि पूरे पाकिस्तान से निकले हैं इंसाफ के लिए, पुरमन एहतजाज के लिए। ये खौफ के बुत खौफ ने तोड़ दिए हैं। सर क्या ये काम मरियम नवाज करता की दावा करती रही कि मेरी कैदों में कुछ ऐसा मसला नहीं होगा। हम लोग तमाम लोगों के सीने में और आज भारी नफरी हम लोग यहाँ पे मौजूद देख रहे हैं। देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हर फोरम पे कहा कि पुरमन एहतजाज होगा। हम पुरमन लोग हैं, हमने जो पिछली दफा 9 मई को इश्तियाल अंगेज जो लोग शरपसंद दाखिल हुए थे हमने उनका रास्ता रोकना है। हम पुरमन लोग हैं, अपने हक के लिए खड़े हैं। हमारा जैन भी गिरफ्तार हो गए। ये फिर गिरफ्तार किया जा रहा है। गिरफ्तार हो गए जनाब। जी जनाब आपके सामने है, ये जुल्म के जाब्ते ये जो स्टार्ट है ये आपके सामने। इंशाल्लाह हम इमरान खान के सिपाही हैं, अपना हक लेंगे। हमें अल्लाह से डर लगता है, अल्लाह के अलावा किसी से डर नहीं लगता। गिरफ्तार कर देंगे, क्या करेंगे, हमें गोली मार देंगे, मार देंगे। तो जब हक लेके रहना है तो चांदी पहनी है, तो चांदी वजीर आजम, चांदी वजीर आजम जो टोटल सबरी जाती जो आयन और कानून के अंदर कलवाड़ किया है। इंशाल्लाह हम आखिरी हद तक जाएंगे और अपना हक लेके रहेंगे। हम पूरा मन लोग हैं, हम पहले भी पूरा मन इंतजार करते हैं और अब भी जिंदा मन रहेंगे और अपना हक लेंगे। गिरफ्तारियाँ हो रही है, हमें गिरफ्तार कर ले, हमें गोली मार दे, हमें इस मुल्क से निकाल दे। चलो 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 चलो
चाहेंगे लाइला भैया का नाम तो भैया का नस्ता ही।